It doesn't matter how bad was you yesterday. Today, you are going to make it good one. You know what? When I first opened my eyes, opened the morning mirrors, I looked up, opened the beautiful world. I thank God. Alhamdulillah, I'm alive. Alhamdulillah. मतलब ये कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे एक जिंदगी और एक दिन और दिया. मैं वो कर सकूँ जो शायद मैं कल ना कर पाई, या उससे पहले, या पिछले साल, या जब भी था. ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी ये हर सुबह नया आगाज़ नई कहानी लेकर आती है. सो डोंट गिव अप. तो चलें आज का दिन शुरू करते हैं. मैं महनूर, एंड वेलकम टू माय चैनल, एंड वेलकम टू माय जर्नी, अ डे इन माय लाइफ. वैसे तो हर दिन मुख्तलिफ होता है, कोई एक दिन वाली रूटीन नहीं होती. तो चलो सोचा एक दिन मैं आप दिखा देती हूँ कि ये वाला दिन कैसा गुजरेगा मेरा. यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जस्ट अ नॉर्मल एग, एंड ऑफ कोर्स आई नीड कॉफ़ी, वरना सांस बड़ी मुश्किल हो सकती है. नहीं, कल ड्रामा नहीं दे सकी इसलिए मैं ड्रामा देख रही थी. और ये वाला जो चौराहा समथिंग, ये मेरा फेवरेट आजकल चल रहा है. वो बाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मैं ये देखती हूँ. हम लोग जो यूरोप में रहते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है जो पाकिस्तान के ड्रामे देखना. मुझे ख़ास तौर पर बहुत अच्छा लगता है. आई फील लाइक जस्ट फील लाइक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद पाकिस्तान कल्चर, ज़ुबान, और ऑफकोर्स फैशन, एवरीथिंग. नो नो, बट आई रियली लाइक देम. एंड देन बिफोर जाने, काम से जाने से पहले ऑफकोर्स थोड़ी सी घर की सफाई वगैरह भी करनी होती है. तो जब कभी दिल परेशान, या जैसे आप डिप्रेशन या कुछ ऐसी फील हो, तो कसम से एक्सपीरियंस है कि आप अल्लाह का जिक्र सुना करें, यानी कि अल्लाह के जो 99 नेम्स हैं उनको सुना करें. सकून और ऐसा महसूस होगा, रिलैक्स फील होगे इंशाल्लाह. तो चलें अभी मैं आता ही. तो मैं अभी अपने आप को प्रेप करने लगी थी, घर के काम कर लिए थे, और थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाऊं. तो यस, हो गई तैयार. हाँ जी, हो गई हूँ तैयार. और अभी नमाज का वक्त है, जहर का वक्त है, अबाउट हाफ एन आवर, नहीं आधे घंटे तक. तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ के फिर चलते हैं मेरे कॉम पर. चलें आप ही आ जाए जॉब पर, और इंशाल्लाह देखते फिर आगे आगे क्या होता है. यहाँ पे मैंने छोटे का बैग तैयार कर रख दिया हुआ था, क्योंकि आज उसने पापा के साथ रहना, क्योंकि मेरी शाम की ड्यूटी थी. तो वो अपने पापा के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने कहीं बाहर जाना कुछ प्लान किया हुआ था. तो बस ऐसे मैं देख रही थी कि घर के खिलौने और यहाँ कितनी सफाई, अपनी हर जगह अपनी चीज़ अपनी अपनी जगह पर पड़ी हुई थी. और शायद इतनी आदत नहीं है कि छोटा भी गया हुआ है, और बिल्कुल खामोशी और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. आई एम श्योर जिन लोगों की बिग फैमिली है विल बी अग्री, लेकिन ये नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे फिर अपने लिए भी टाइम मिल जाता है. जो भी कि फी देर के बाद मैं अकेली घर में हूँ. बच्चा छोटा जो है वो किंडर गार्डन जा चुका है. आज उसका लास्ट 3 डेज किया है, और आज कल नहीं किया, कल छुट्टी हमने की हुई थी और आज आ गया. तो इस पर मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊँगी सून एज वेल, स्टे ट्यून, कि किंडर गार्डन का जो उसकी जर्नी है वो कैसी जा रही है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो इंशाल्लाह आई विल सून एज वेल मैं बनाऊंगी. तो हाँ जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं शायद मेरे दूसरे साइड पे, लेफ्ट साइड पे, के हॉस्पिटल तामीर किया जा रहा है. बहुत बड़ा बिग हॉस्पिटल है जो बिश्करू सिटी का बहुत मेन बड़ा सा हॉस्पिटल होगा इंशाल्लाह. आई थिंक दो साल आई गेस. आज का जो स्मॉल जो मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि जब इंसान पॉजिटिव होता है तो उसकी सोच भी पॉजिटिव हो जाती है. जब उसकी सोच पॉजिटिव होती है तो ख़ुद पे फील पॉजिटिव करता है, यानी कि आपका पॉजिटिव सोचने का, रहने का दिल चाहता है, ख़ुद पे टाइम लगाने का दिल चाहता है. एंड एज आई से बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, यू विल फील पॉजिटिव. ज़्यादा मैं इतना ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी काम से, लेकिन खैर अभी टाइम था तो सोचा एक मैसेज देने को, कि जैसे आप सबको पता है कि क्रिकेट मैच था, फाइनल था, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं जीत पाया.
बट श्रीलंका कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला. और यस, लेकिन ये जो लोगों ने काफ़ी हेट्स कमेंट्स किए हैं कि यहाँ बहुत बुरा बोला है और कोई और लोग नहीं अपने पाकिस्तानी ही हैं, मैंने काफ़ी टिकटॉक्स पे देखे हैं कि कुछ आंटियाँ या कुछ जो भी यंग जनरेशन है जो भी कितना बुरा बोला, आई डोंट रियली डोंट लाइक दैट पर्सनली. क्योंकि हमें मोटिवेशन देनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि फ़ाइनल तक तो पहुँचे ना, बेस्ट टीम्स जो हैं वो दोनों फाइनल तक पहुँचे, और दोनों ज़ाहिर है दोनों अच्छा ही खेलेंगे तो एक ही टीम जीतेगी. तो बस यही कि मोटिवेशन देना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो, इसमें कहा थी यही कि वो मज़ीद और अच्छा खेलें, ना कि हमें इतना उनको कहना चाहिए कि जैसे कि वो कहते हैं ना कि बस सब कुछ छोड़ दें, क्रिकेट भी छोड़ दें. और नाउ दैट्स नॉट गुड. फीडबैक ज़रूर कीजिएगा, आपकी सोच क्या कहती है, आप क्या कहते हो. तो यस, चलें, आई हैव टू वर्क एंड बाय बाय, सी यू बाद में. लेट्स गो. चलो, मुझे तो लगी थी भूख, अभी मैं जाने जगी हूँ आज अपने लिए कुछ मज़े का लेने का. दिल चाह रहा था चिकन शवरमा खाने को. तो चलें, आए चलते मेरे साथ. बस ये कहना चाहूँगी कि इंसान, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए हर किसी को, चाहे वो कैसा भी हो, जैसा भी हो. हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, हम कौन होते हैं किसी को क्या कहने वाले, नीचा दिखाने वाले. फूड एंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो मैं यहीं पे अपना जो व्लॉग है स्टॉप करती हूँ. तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई कहानी के साथ. व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा. टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. सोचा 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 मज़ा देख लें. अभी मैं ये देखने लगी हूँ, आप कौन सा देखते हैं, ये वाला भी देखती हूँ और ये वाला भी अच्छा है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये देखूँगी किस तरह चुकी हुई थी. तो फीडबैक में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा ड्रामा देखते हैं. बस वॉच दिस वन.